अस्सलाम वालेकुम हर साहब, क्या हाल है? दोस्तों, ये हमारे मास्टर साहब हैं जिनको चोट लगी थी उस दिन मेले में। आज इनको हम लेकर आए हैं पूरे एक महीने के बाद। बाबा शाह नूर की जो मेला था उसकी कबड्डी में हम गए थे, वहाँ पर इनको चोट लग गई थी पाँव में, दोनों पाँव की हड्डी फ्रैक्चर हो गई थी। तो ये उस दिन से घर पे ही थे। वैसे ये वो बंदे हैं माशाल्लाह से, हमारे उस्ताद हैं, ये सीनियर हैं, तकरीबन 30-40 साल इनकी एज है और तकरीबन 30-35 साल इनको हो गए ये काम करते हैं। और एक दिन भी इन्होंने जो घर पे नहीं गुजारा, छुट्टी नहीं की, काम करते गुजारा है। और अब एक महीने से घर थे तो इनका दिल नहीं लग रहा था, हम काम खुद ही कर रहे थे। अभी इनको मैं लेकर आया हूँ आज काम पर, और ये देखें इनको पट्टी लगी हुई है, दोनों पाँव पर पट्टी लगी हुई, दूसरा पाँव भी, ये देखें इस पर भी जुराबें पहनी हुई हैं। और अगर आप देख रहे हैं तो देखें, ये लूडो खेल रहे हैं अपने फ़ोन में लेटकर। लेकर आए इनको काम पर हम, अपने जो फैक्ट्री है वहाँ पर लेकर आए हैं, लेकिन अभी ये चलने के काबिल नहीं। इनको उठाकर जो है गाड़ी पर बिठाते हैं, उठाकर इनको यहाँ पर लिटा दिया, ये आराम कर रहे हैं और हम अपना काम कर रहे हैं। पर ये हमें लेटे लेटे ऑर्डर दे रहे हैं, ये करो वो करो, इंज कर दो उंज कर दो, पहनो ये था ये यार, या उर्दू बोल रहे थे या पंजाबी बोल। और हाँ, ये पीछे कमल आदमी कर रहा है, मेरी शक्ल तेरी नजर आने ये पूछो वाला भाई यार, ये पूछो वाला भाई, ये पूछो को था हो गया हैं, कह रहे था वगैरह भी मुझे चोटी पड़ गई, इस बात की बड़ी ऊंची हो जाएगी। और ये जहाज ये देखें, वो मिस्टर आमिर साहब बैठे हुए हैं, ये मिस्टर आमिर भी हुआ है, और ये साहब सामने आओ भाई, सामने आओ, ये जम साहब बैठे हुए हैं, और ये खालिद भाई हैं मूंछों वाले, मूंछों वाले भाई का बॉडी नजर आ रही है। ये अख्तर साहब हैं फिलहाल जो हमारे मास्टर की जगह पर खड़े हुए हैं, नए मास्टर हमारे, मास्टर को चोट लगी है तो तब से अख्तर भाई जो कटिंग कर रही है, इतने मसरूफ है कैमरे की तरफ देख ही नहीं रहे, क्योंकि भाई फोन के कैमरा चलाते हैं इसलिए मोबाइल का कैमरा इनको अच्छा नहीं लगता। ये भाई इधर देख ले यार, हेलो भाई कर दे, ऐसे कर बाय बाय। ये अभी मसरूफ है, ये हमारा कटर है जिससे हम कटिंग करते हैं। यार कटर चलाना, थोड़ा सा चला के बता दो, नहीं नहीं किसी चीज में चलाओ, कोई काटने वाली है तो काटो तो बताना। और बाकी बाकी के दो लड़के जो हैं, एक है यहाँ पे हमारे जो फौजी साहब बैठते हैं, मास्टर बैदुल्लाह सदीकी साहब, वो चले गए, वो भट्टा चौक से आते हैं दूर है वो, और वहाँ पे वो खोते वाला भाई बैठता है जो खोते की रेस लगाते हैं, वो भी चला गया। अभी हम भी जाने वाले, तकरीबन मगरिब का टाइम हो गया, तो ये मास्टर साहब बुला रहे आप सब भाइयों से, रिक्वेस्ट है कि मेरे लिए तंदुरुस्ती की दुआ करें आप सब भाई, जो भी देखिए मार साहब के लिए आप दुआ करिएगा कि जल्दी ठीक हो जाएं, छोटे छोटे बच्चे हैं, आपको पता है आजकल खर्चे कितने, महंगाई बहुत ज़्यादा है, तो काम है जो वो रुका हुआ है। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, अभी मास्टर को हम लेकर जाएंगे, कल इनकी पट्टी जो है वो करवानी है, पट्टी चेंज करवानी है, तकरीबन हर हफ्ते जो है पट्टी और एक्सरे वगैरह इनका होता है, कल पट्टी इनकी चेंज करवाएंगे, फिर डॉक्टर बताएंगे अभी कितने दिन जो इनको आराम करना है। दुआ कीजिएगा कि जल्दी जल्दी ये ठीक हो जाए और अपने काम पर अपनी ड्यूटी पर खड़े हो जाएं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।